हेलो गाइज, नाम नीतू कोहली और आज आपका फिर से वेलकम है मेरे चैनल नीतू कोहली अकेडमी में। सो गाइज, जैसे कि आपने सेटअप देख ही लिया, आज का वीडियो का ट्यूटोरियल हमारा टॉपिक है अगेन हाइड्रा फेशियल का। लास्ट वाली हमारी हाइड्रा फेशियल आपको बहुत पसंद आई, इतने अच्छे रिव्यूज आए, थैंक यू सो मच आप सबके लिए। तो आज हम थोड़ा सा और डीपली बताने वाले हैं आपको हाइड्रा फेशियल के बारे में। तो ये बेसिकली क्या काम करता है, क्या मेडिकेटेड इसमें प्रोडक्ट यूज होते हैं, क्या स्टेप्स होने चाहिए आपको, क्या तरीके से, जो भी हिडन चीजें हैं आज हम आपको इस वीडियो में सारी की सारी शेयर करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको स्किन एनालाइजिंग बताते हैं कि स्किन को आपने कैसे एनालाइज करना है, आपने देखना है कि स्किन में क्या प्रॉब्लम है और क्या इसमें क्योर करने वाली चीजें। तो आइए आपको दिखाती हूँ, स्किन जो है एक्ने वाली है, आप थोड़ा पास में ले आओ फोन। स्किन में जो है एक्ने है, थोड़ी सी ज़्यादा जो है पिगमेंटेशन है, क्योंकि ये घर में बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं अपनी स्किन की, और इनकी स्किन जो है ना ऑयली भी है। तो इनका फेस में जो है ऑयल बैलेंस भी हमें कंट्रोल करना है। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं ओपन पोर्स भी हैं जहाँ पर वाइट हेड एंड ब्लैक हेड भी काफ़ी ज़्यादा ह्यूज लेवल पे है। सो गाइज, ऐसी स्किन को हम जो है बेसिकली प्रॉब्लमेटिक स्किन बोलते हैं। तो प्रॉब्लमेटिक स्किन के लिए हाइड्रा फेशियल बहुत बहुत अमेजिंग रिजल्ट देता है, और सबसे मेन बात है कि इसका जो स्टे होता है हाइड्रा फेशियल का बहुत लॉन्ग टाइम स्टे करता है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट दिखाती हूँ कि मैं प्रोडक्ट क्या यूज़ करने वाली हूँ इनके स्किन पे। तो ये प्रोडक्ट मैं यूज़ करने वाली स्किनॉक्स ब्रांड का प्रोडक्ट है गाइज, जो कि हाइड्रा फेशियल के लिए काफ़ी बेस्ट है, और एवोकेडो फ्रूट का ये फेशियल है। ये सैशे यूज करेंगे गाइज हम, क्योंकि हाइड्रा फेशियल में ना हाइजीन लेवल मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो हम लोग ओपन प्रोडक्ट यूज ना करके हम लोग ये सैशे यूज करते हैं, ताकि ये ऑन द स्पॉट ओपन हो, ऑन द स्पॉट फिनिश हो, और उसी टाइम हम इसको थ्रो कर दें, क्योंकि ये रिफिल नहीं हो सकता है। और अगर बींग एन क्लाइंट अगर आप भी कहीं पर करा रहे हैं, तो आप भी ध्यान रखिए इस चीज़ का कि अगर आप कहीं पर भी हाइड्रा फेशियल करवाने जा रहे हैं, तो मेक श्योर कि आपकी जो एस्थेटिशियन है वो जो है इस तरीके के प्रोडक्ट को यूज करे। तो आइए अब थोड़ा सा और मैं आपको ब्रीफली बताती हूँ हमारी स्किन की ट्रीटमेंट के बारे में, और साथ साथ हमारी मशीन के बारे में। इसमें ये तीन बॉटल्स आगे लगी होती हैं। ये इन तीन बॉटल्स में ना गाइज हमने क्या किया है, हमने इतना लेवल पानी का डाला हुआ है फिल्टर वाटर का, और साथ में हमने ये इसमें साथ में हाइड्रा फेशियल की सिरम आते हैं, इस तरीके की तीन बॉटल सिरम आएंगी आपके पास। तो इतना आपने पानी डालना है इसमें, और एक ढक्कन सिर्फ और सिर्फ इस सिरम का डालना है। तो गाइज इसे हमने अटैच कैसे करना है, सिंपली हमने इसमें रखना है इसको और ऊपर पुश कर देना है। तो इसको निकालने का तरीका भी एक ही होता है, इसको आपने पुश करना है और इसको खींच लेना है नीचे, तो ये निकल जाती है आराम से। और लगाने का तरीका आपने इसको अप कर देना है, आपके पास इसका स्विच ऑन कर देना। तो गाइज सबसे पहले हम ये क्लिनजिंग मिल्क यूज करेंगे, अच्छे से हमने निकाल लेना है। इसमें जितना भी प्रोडक्ट है आपको अच्छे से ले लेना है, क्योंकि कमी नहीं होनी चाहिए प्रोडक्ट में, क्योंकि हमें हाइड्रा फेशियल में जो है हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट यूज करना होता है। तो हम इस तरीके से पूरे फेस पे लगाएंगे। अगर आप चाहें तो आप ग्लव्स वियर करके भी अपना वर्क जो है ये कर सकते हैं। अच्छे से हमने पूरे फेस पे इसे अप्लाई करना है। एंड क्योंकि जैसे कि कई बार क्या होता है कि कुछ स्किन में ब्लीडिंग्स भी हो रही होती है ना, ओपन पोर्स की वजह से या दानों की वजह से, तो जैसे कि ब्लीडिंग वाले अगर दाने हैं तो मेक श्योर कि वहाँ पर आप ग्लव्स पहन के वर्क करना। तो सबसे पहले हमने बहुत ही लाइट हैंड से यहाँ पर क्लेंजिंग करनी है पूरे के पूरे फेस की अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर फेस की जो डस्ट है, हमारा क्लेंजिंग करने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जितनी भी डस्ट है या फिर डेड स्किन सेल्स हैं और जो स्कोर्स हैं, हमने इनकी बेसिकली ओपन करने हैं। तो क्लेंजर से ना बहुत अच्छे से पोर्स जो हैं ओपन हो जाते हैं, क्योंकि पोर्स ओपन होने से क्या होगा कि डीप क्लेंजिंग कर पाएंगे हम अपने हाइड्रा फेशियल के प्रॉप्स के साथ। तो अच्छे से हमने इसे जो है मसाज करके लाइट लाइट हैंड से और पूरी की पूरी स्किन पे से अपने जो डस्ट है या एक्स्ट्रा सेल्स हैं और मोटे मोटे जो वाइट हेड होंगे या ब्लैक हेड होंगे, वो तो अभी हमारे क्लेंजर में ही काफ़ी हद तक रिमूव हो जाते हैं। बाकी जो डीप क्लेंजिंग है वो हमारे प्रॉप्स करेंगे, हमारा स्क्रबर करेगा। बन चुका है तो इसे हमने क्लीन कर लेना है। यहाँ पे ना गाइज इस फेशियल का ना सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है कि आपके जो फेशियल टिश्यूज़ है ना, हम इससे सारे के सारे प्रोडक्ट को वाइप बहुत कम करते हैं। सिर्फ स्टार्टिंग के एक या दो लेवल पे ही हमने स्टेप्स में ही हमने इसे जो है क्लीन करना है हमारे टिश्यू को। इसके बाद जो है सारा के सारा प्रोडक्ट जो है नेचुरली स्किन जो है ऑब्जॉर्व करेगी। सो गाइज अब मैं यूज़ कर रही हूँ स्टेप टू स्किनॉक्स का, ये है हमारा मॉइस्चराइजिंग स्क्रब। अब हम कर रहे हैं स्क्रब। तो स्क्रब क्या करेगा, जो हमने अभी पोर्स ओपन किए हैं
या फिर जो मोटे मोटे लेवल की जो इनकी ड्राई स्किन है, डेड स्किन जिसे कि हम बोलते हैं, तो स्क्रब जो है उसे क्लीन करेगा। और ये जो स्क्रब है ना गाइस, बिल्कुल भी आपने फेस के लिए मोटे दाने वाला यूज़ नहीं करना होता, बिल्कुल माइल्ड स्क्रब यूज़ करना है और बहुत ही लाइट हैंड से वर्क करना है, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉब्लमेटिक स्किन है और अगर आपने इसको ज़्यादा हार्ड हाथ से किया तो बाद में इनके फेस पे दाने हो सकते हैं। तो मेक श्योर आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, आपने स्टेप्स को भी बहुत स्लोली वर्क करना है, ऐसा नहीं कि बहुत फास्ट आप काम कर रहे हो। उससे आप क्या होता है कि क्लाइंट जो है उनकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करती है, तो आपने इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना है। तो गाइज़ यहाँ हमारा स्क्रब जो है बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है फेस, और अब हम इसे जो है वाइप के साथ में क्लीन कर देंगे अच्छे से। तो गाइज़ एक अच्छे फेशियल का रिजल्ट देने के लिए ना ये बहुत ज़रूरी है कि आपके जो लाइट्स हैं वो बहुत डिम होनी चाहिए। डिम होने के बाद आपका क्लाइंट जितना ज़्यादा रिलैक्स होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। तो अब हमारी बारी है स्टेप थ्री की। तो स्टेप थ्री में ये मैं टोनिक यूज़ करने वाली हूँ। अगर आपके पास इनके से टोनिक नहीं है तो आप ये एंटी एजिंग सीरम कैरियर का भी आता है, आप ऑनलाइन इसे बाय कर सकते हैं, और इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी अगर आपने स्किन ऑक्स के भी प्रोडक्ट चाहिए होंगे। तो ये दोनों चीज़ों में से आप दोनों में से एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी जैसे कि हम स्टेप थ्री यूज़ करने वाले हैं तो यहाँ पर हम इसे कट करेंगे और पूरे फेस के ऊपर इसे हमने अप्लाई करना है, और ये जो है हमारा यूज़ होगा टूल के साथ। तो गाइस हमारा थर्ड स्टेप जो होता है जैसे कि टोनिक अप्लाई करने का, और साथ में हमारा प्रॉप फर्स्ट यूज़ होने वाला है हमारी मशीन में से, तो ये होता है हमारा स्क्रबर। इसको आपने हमेशा कैप करके रखना होता है, और इसकी यहाँ पे हम लोग जो है फ्रीक्वेंसी सेट कर लेंगे। यहाँ पर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी सेट कर रही हूँ स्क्रबर ऑन करने के बाद 7-8 पे। मैं स्क्रब की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेट कर रही हूँ और इसे हम ऑन कर देंगे। तो ये देखिए जब ये वर्क करता है तो किस तरीके से वर्क करता है, ऐसे जब हम इसको देखते हैं तो ऐसे लगता है काम नहीं कर रहा है, लेकिन जब ये देखे तो काम करेगा, तो ये इस तरीके से वर्क करेगा। इस तरीके से हमें स्किन में से जो है स्क्रबिंग करके इस वाले स्क्रबर के साथ डेड स्किन को रिमूव करना है। बट ये पानी के साथ यूज़ नहीं होता है, मेक श्योर आपने हमेशा इसको टॉनिक या फिर सिरम के साथ फेस पर अप्लाई कर देंगे बिल्कुल पतला पतला, और जैसे जैसे इसे हम चलाते रहेंगे वैसे वैसे इसे साथ में हमारा हाथ भी चलता रहेगा। बहुत अच्छे से आपने दबा के यूज़ करना है। गाइज हमारा स्क्रबर का काम जो है ख़त्म हो चुका है। अब बारी है हमारे डर्मापरेजन की। तो डर्मापरेजन का काम ये जो है ये टूल यहाँ पर बना हुआ होता है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी हमने सेट नहीं करनी है, सिंपल सा है। हमने यहाँ से इसका प्रोडक्ट जो है पिकअप होगा और पीछे इसका ड्रेनेज का एक एक्स्ट्रा बॉटल होती है जहाँ पर ड्रेनेज होगी, तो यहाँ पर हम सेट कर देंगे। जैसे कि हमें ए वाली बॉटल में से पिकअप करना है प्रोडक्ट, तो ए पे सेट कर देंगे, यहाँ पर ए पे सेट हो गया है। जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये यहाँ से प्रोडक्ट पिक करेगा, स्किन को क्लीन करेगा, वैक्यूम की तरह इसका जो है काम होता है खींचना डेड सेल्स को, डेड स्किन को, ब्लैक हेड को, वाइट हेड को, डीप क्लिनजिंग करता है ये पोर्स को, और जो भी एक्स्ट्रा गंदा पानी जो ड्रेनेज वाला पानी होता है वो पीछे जाके स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पर हमें जो है हल्की सी स्किन को स्ट्रेच करना होता है, स्ट्रेच कर करके छोटे छोटे सेक्शन में लेके, या फिर अगर आपका हाथ सेट है तो आप बड़े सेक्शन में भी ले सकते हो। इस तरीके से हम अपना वर्क कर देते हैं, खींच रहा है स्किन रिया तरीके, ये बहुत ही स्मूथली चलता है क्योंकि हमने पहले वाले सीरम को क्लीन नहीं किया है। ठीक है, अच्छे से हमने एक एक यहाँ से जो है स्किन को अच्छे से क्लीन करना है, एक एक पोर में जाना चाहिए ये प्रॉपरली। ग
देखिए बेटा ध्यान से। बारी है स्प्रे गन यूज़ करने की। तो यहाँ पर स्प्रे गन का काम क्या होता है कि हम इसके अंदर सीरम डालते हैं। तो ये सीरम जो जैसे कि हमने अभी तक पूरी स्किन को समझ लीजिए कि अच्छे से निचोड़ दिया है, बहुत अच्छे से डेड स्किन को, ओपन पोर्स को अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो अब हमने आ रहा काम क्या है कि हमने जो स्किन हमने इसका पीएच लेवल डाउन किया है, सारी चीज़ें निकाली हैं, सोपअप करी हैं, तो अब हम इसमें दोबारा डिपॉजिट करेंगे हमारे सीरम, और जो इनकी स्किन की ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग हमने सीरम्स देने हैं वो हम डालेंगे। तो यहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे जनों की जो ट्यूब होती है ये ब्लॉक हो जाती है। तो अगर इनकेस कभी भी ब्लॉकेज हो जाए तो आपने सिंपली क्या करना होता है, हमने यहाँ पर पानी डाला हुआ तो लगा, आपने इस तरीके से इसको होल्ड करना है तो ये अपने आप क्लीन हो जाती है और सारे के सारे प्रोडक्ट जो है बाहर आ जाता है। तो देखिए हमारा प्रोडक्ट जो है आराम से इसमें से बाहर आने लग गया है। तो आपने इस तरीके से इसे क्लीन कर लेना है, और इसे जब पानी डाल के आप क्लीन कर लेंगे सारा के सारा, जब ये रिमूव हो जाएगा तो हम इनके फेस के सीरम के अकॉर्डिंग, फेशियल के अकॉर्डिंग हमारे सीरम्स इसमें हम ऐड करेंगे। तो गाइज हमने ये जो सीरम है इसमें अच्छे से डाल दिया है, साथ साथ जैसे कि इनकी स्किन को जो है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे ऑयली है तो यहाँ पर हम इनकी स्किन की और थोड़ी सी टैनिंग भी ज़्यादा है तो मैं विटामिन सी एंड हाइलोरोनिक सीरम भी इसमें ऐड ऑन करूँगी। ये हमारा हाइलोरोनिक सीरम है, यहाँ पर हम जो है 3 से 4 ड्रॉप सिर्फ और सिर्फ हाइलोरोनिक सीरम के डालेंगे, क्योंकि ये एक मेडिकेटेड प्रोडक्ट है और स्किन के अंदर जब ये ऑब्जर्व होगा तो ये दानों को बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे से ठंडक देगा, जिससे कि इनकी स्किन बहुत अच्छे से हील हो जाएगी, आने वाले दाने भी ठीक हो जाएंगे। और ये स्किन विटामिन सी का सीरम है, यहाँ पर हम विटामिन सी के भी 1 से 2 ड्रॉप ले लेंगे, मिक्स कर लेंगे ताकि हम इनकी जो स्किन है वो वाइटनिंग में भी ट्रांसफ़र हो सके। तो अब हमारा काम है इसे पूरी की पूरी स्किन पर इक्वली स्प्रे गन से अप्लाई करना। तो यहाँ पर हम अपने हाथ को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, धीरे धीरे बहुत प्रेशर से ये जो प्रोडक्ट है अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा इनकी स्किन के अंदर। पहले हम इनका चिन एरिया और चीक एरिया अप्लाई करेंगे, और आपने ये जो इसकी डायरेक्शन है ऐसे तिरछी रखनी है ताकि प्रोडक्ट जो है आता रहे इसमें से। तो आप जैसे कि देख सकते हैं स्किन जो है इनकी ऑयली ऑयली नज़र आनी शुरू हो गई होगी। तो इस तरीके से हमने पूरे के पूरे फेस के ऊपर इसे अप्लाई कर देना है। गाइज अब बारी है हमारे नेक्स्ट स्टेप की। तो यहाँ पर स्टेप 4 में मैं प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ फेस क्रीम। तो फेस क्रीम को हम पूरे के पूरे फेस के ऊपर लगा देंगे, लेकिन इस फेस क्रीम को जो है ना गाइज हमने पेनिट्रेट हाथ से नहीं करना है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर हमारा हाथ बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा। अगर आप चाहें, अगर आपको लगता है कि आपको हाँ स्किन आपके क्लाइंट जो है हाथों की मसाज के बिना सेटिस्फाइड नहीं होगा तो वहाँ पर आप अपने जो है क्रीम का मसाज दे सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ। वो क्यों नहीं करती आपको रीज़न बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं हमारा अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड का काम क्या होता है मैं आपके ऊपर देखिए इसमें अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाती हूँ। तो जब हम इसकी फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, पहले तो इसकी फ्रीक्वेंसी सेट कर देंगे 7 या 8 पे। आप चाहें अगर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो हम यहाँ पर 9 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं। इसको ऑन करेंगे एंड ऑन करने के बाद देखिए जब ये वर्क करता है, आप वहाँ से भी ऑन कर सकते हैं इसे, यहाँ से भी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से काम करता है, अगर आप देखेंगे तो इसकी बूंदें जो है नाच रही हैं।
और डाल के दिखाती हूँ आपको। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें से एक प्रोडक्ट जो है उछल उछल के बाहर आ रहा है। तो ये हमारा प्रोडक्ट जो है पेनिट्रेट बहुत अच्छे से करता है, बेसिकली धक्का देता है, अच्छे से हमारे प्रोडक्ट को पेनिट्रेशन में हेल्प करता है। तो सबसे पहले जैसे कि हमारी क्लाइंट की प्रॉब्लमेटिक स्किन है, तो यहाँ पर मैं जो है हल्का सा पहले हाथ से मसाज करूँगी ताकि बॉडी हीट की वजह से जो है थोड़ा सा प्रोडक्ट पेनिट्रेट हो जाए और उसके बाद जो है हम अपना प्रॉप यूज़ करेंगे अपना हाइड्राफेशियल का। तो यहाँ पर मैं इक्वली फेस पे अप्लाई कर दूँगी प्रोडक्ट जो पूरे फेस पे, एंड धीरे धीरे करके जो है इसे हम पूरे फेस पे एक नॉर्मल सी मसाज देंगे। बहुत ही लाइट हैंड यूज़ करना है गाइस, टाइट हैंड यूज़ नहीं करना है बिल्कुल भी। इसको हटाना, यहाँ पर गाइस आपने बिल्कुल भी हाथों को पोर्स को यूज़ नहीं करना होता है, आपने अच्छे से अपने हाथों की तलियों को पूरे हाथ को अच्छे से यूज़ करना है ताकि कोई भी एरिया जो है रह ना जाए। पूरा नेक एरिया को भी हमने कवर अप करना है, पूरे शोल्डर्स को भी अच्छे से कवर अप करना है ताकि इनका जो पूरा के पूरा बेसिकली हम जब भी कोई ड्रेस पहनते हैं हमारा नेक एरिया जो है ओपन रहता है। तो इक्वली आपने प्रोडक्ट सारे के सारे प्रोडक्ट और सारे के सारे प्रॉप जो है आपने नेक एरिया पर भी ज़रूर चलाने हैं ताकि हमारी पूरी की पूरी एक इवन स्किन मिल सके। करना होता है हल्का सा सीरम लेंगे हम अपने हाथ पे। अगर आपकी स्किन टाइट चलती है, क्रीम आपको लगता है कि बहुत टाइट चल रहा है, तो आपने सीरम यूज़ करना है अपने हाथ में और सीरम के साथ में इसमें जो है पूरे फेस पे मसाज करनी है अच्छे से ताकि आपका हाथ जो है और स्मूथली और लाइटली और अच्छे से आपका जो है एवरी एरिया पे कवरअप हो सके मसाज। स्किन टाइट चल रही है, हमने सिंपली क्या करना है अब अपना प्रॉप यूज़ करना है। जो गाइज अब हमारी बारी है हमारा प्रॉप चलाने की। तो प्रॉप जो है हम स्मूथली जो है पूरे स्किन पर इक्वली से चलाएंगे धीरे धीरे करके। और ये जैसे कि हमने ऑलरेडी मसाज दे दी है तो यहाँ पर पेनिट्रेशन तो हाफ ऑफ द एरिया पे हो ही चुका है, लेकिन बाकी जो बचा हुआ प्रोडक्ट है ये भी बहुत अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा इससे काफ़ी ज़्यादा फास्ट मोड पर। और सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि यहाँ पर ये जो क्रीम है ये ऑयल में ट्रांसफ़र हो जाएगी बहुत फास्ट मोड पर। तो ये जो प्रॉप है हमारा बहुत बहुत फास्ट मोड पर वर्क करता है यहाँ पर, और इसे हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक। सो गाइस जैसे कि आज आप देख सकते हैं क्योंकि हमारी अभी क्लास भी चल रही है, हमारी स्टूडेंट की भी क्लास थी, तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो भी बना ले और इनकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी साथ साथ और हमारी एक वीडियो भी बन जाएगी। तो जैसे कि गाइस हमने जो प्रोडक्ट पूरे के पूरे इसमें यूज़ किया है वो यूज़ किया है स्किनॉक्स का एवोकाडो प्रोडक्ट यूज़ किया। एवोकाडो इट्स जस्ट लाइक एक फ्रूट होता है जिसमें कि स्किन टाइटनिंग एंड एक्ने को कवर अप करने के लिए बहुत बेस्ट रहता है, और इसमें ना वाटर स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो इसमें हमने बेसिकली क्या करना है, हमने पूरी हाइड्राफेशन में क्योंकि स्किन को हाइड्रेट करना है तो हम अपने स्किन के वाटर लेवल को बढ़ा रहे हैं। तो ऑयल तो ऑलरेडी इनकी स्किन में है ही जैसे कि मैंने आपको बताया, तो वाटर की स्टेबिलिटी और बढ़ा रहे हैं। और कुछ जो बचा बुचा काम है वो हमारे मेडिकेटेड प्रोडक्ट जैसे कि हाइलुरोनिक सीरम है, हमारे विटामिन सी सीरम है, और जो इनके इसमें टॉनिक वगैरह थे वो सारे वर्क करेंगे। तो अब इसके बाद जैसे कि आप स्किन देख सकते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट ने प्रॉप ने आराम आराम से अपने यूज़ करना है, बहुत फास्ट फास्ट नहीं चलाना है, तो ये पूरा के पूरा स्किन के अंदर मर्ज हो गया। तो अब इसके बाद बारी हमने इसमें 2 मिनट अभी और चलाना है। 2 मिनट चलाने के बाद जो है इसे वैसे बेसिकली ये 10 मिनट के लिए कम से कम चलता है गाइस, जिसमें कि हमारी 3 से 4 मिनट की हाथों की मसाज एंड उसके बाद आपसे 4 से 5 मिनट का आपका प्रॉप चलता है। तो यहाँ पर हम जो बिल्कुल भी टिश्यू और पानी यूज़ नहीं करते हैं इस स्टेप में, आपने मेक श्योर ध्यान रखना अगर आपकी स्किन हाथों से टाइट चलेगी भी तो आपने सीरम का इस्तेमाल करना है यहाँ पर। तो ये पूरा के पूरा जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है हमारी स्किन में, जो हल्के हल्के इस एरिया में जो है अभी क्रीम रह गई है ऑब्जर्व होनी, एंड स्किन में रिजल्ट दिखना भी एंड ग्लो दिखना भी स्टार्ट हो गया। तो ये विद इन 2 मिनट्स जैसे ही कम्प्लीट हो जाएगा इसके बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप यूज़ करेंगे।
सो गाइज अब हम यूज़ कर रहे हैं हमारा जेल। तो यहाँ पर पूरे फेस पे जो है मैं इक्वली कूलिंग जेल है ये, जिससे कि इनके स्किन को कूलिंग की बहुत बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि ऑलरेडी हीटेड स्किन है और ऑयली स्किन है। तो ऑयली स्किन और हीटेड स्किन में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इतना ज़्यादा ये गर्म रहते हैं कि इनको कूलिंग देने से क्या होगा कि इनके फेस पे जो दाने ये तो पहले वाले तो हील होंगे होंगे और नए दाने भी नहीं होंगे इससे। तो ये पूरे फेस पे हमने इक्वली अप्लाई कर दिया। और यहाँ पर हम जो है बिल्कुल भी हाथ यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हमने यूज़ करना है हमारा RF टूल। इसकी भी हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, तो मैं कम से कम इसकी 7 से 8 फ्रीक्वेंसी कर रही हूँ। एंड इसका काम क्या होता है, जैसे गाइज इसका काम क्या होता है, हमने क्लिनजिंग भी कर ली, हमने ओपन पोर्स भी किए, डीप क्लिनजिंग कर ली, हमने स्क्रबिंग भी कर ली, डेड स्किन भी हटा ली, हमने पेनिट्रेशन भी कर लिया अपनी स्किन को। तो अब क्या होगा, जो हमने सीरम्स एंड क्रीम को पेनिट्रेट किया है स्किन के अंदर, अब इसको ये एक्सरसाइज करके उसको पक्का कर देगा, ताकि ये स्किन टाइटनिंग होने से क्या होगा, इनके सेल्स और ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे और नए सेल जो हैं रेजुविनेट होंगे, जिससे कि इनकी स्किन फॉर्मिंग भी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने अपनी स्किन को फॉर्मिंग करके जो है रेजुविनेट करना है। तो ये बेसिकली मसल्स को जो है ना एक एक्सरसाइज करने का काम देगा। जैसे कि अगर आपने देखा होगा ना, हम लोग कभी एक्सरसाइज करते हैं तो हम पतले होने लग जाते हैं, तो ऐसे ही ये जो है हमारे सेल्स को और एक्टिव करेगा, ताकि स्किन में से इन्फ्लामेशन, जैसे कि सूजन जो होती है, सूजन को ख़त्म करेगा, ओपन पोर्स को क्लोज करेगा, स्किन टाइटनिंग करेगा, जिससे क्योंकि मसल्स हो रहे हैं, मसल्स की एक्सरसाइज हो रही है, तो आपका बाय डिफॉल्ट स्किन टाइटनिंग का काम भी करेगा और साथ में स्किन फॉर्मिंग का और सेल्स को भी एक्टिवेट करेगा। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी स्किन के लिए। तो अब हम इससे वर्क करेंगे, इसे भी हमने ऐसे रोटेशन में करते हुए पूरे फेस के ऊपर चलाना है। एंड यहाँ पर भी हमारा पानी यूज़ नहीं होगा, एंड यहाँ पर हमारा हाथ भी यूज़ नहीं होगा। और जैसे कि आपने देखा था, अभी हमने क्रीम को जो है बिल्कुल भी टिश्यू से क्लीन नहीं किया, तो आपने भी टिश्यू से क्लीन नहीं करना, उस क्रीम को लगे रहने देना है। एंड साथ जो है हमारा ये प्रोब जो है चलता रहेगा पूरे फेस पे और हमारे मसल्स की एक्सरसाइज कराता रहेगा। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ स्टेप 5। यहाँ पर है हमारा पैक है, तो ये पैक भी हमारा जो है कूलिंग पैक होता है। ये हमारी स्किन को जो है ना पोर्स को, अभी तो हमने मिनिमाइज किया था, लेकिन अब ये जो है हमारे पोर्स को क्लोज करने का काम करेगा। लेकिन ये सिर्फ हमने यहाँ पर हमारे स्टेप ख़त्म नहीं हो जाते हैं, इसे हमने पूरे फेस पे इक्वली अप्लाई कर देना है। और अप्लाई करने के बाद ना हमने इसे सूखने नहीं देना है। कैसे नहीं सूखने देना है वो मैं आपको भी बताती हूँ, क्योंकि पहले हमने पूरे इक्वली इसे अप्लाई कर दिया। देखिए अच्छे से आपने अप्लाई कर देना है, आप अपने हाथ का ही यूज़ करना है इसके लिए, कोई ब्रश या कुछ आप यूज़ करते तो आपका कहीं ना कहीं रह ही जाता है, अच्छे से एरिया कवरअप नहीं हो पाता है। और बहुत फास्ट मोड पे वर्क करना है, क्योंकि स्किन के पोर्स अभी कुछ कुछ जो है मिनिमाइज हुए हैं, बंद नहीं हुए हैं, तो इसलिए हमने बंद करना है इससे अच्छे से। तो मेक श्योर कि आपने अच्छे से स्किन पर इसे अप्लाई कर देना है। और अब इसके साथ इसे अप्लाई करने के साथ, क्योंकि ये वाला जो फेस पैक है ना गाइज, ये ना क्रीम बेस्ड फेस पैक होता है, तो ये एकदम जैसे हमारे मड पैक्स होते हैं वैसे वाला भी आप यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। बट क्योंकि हमने स्किन में ऑयल है, जेल है, ऑयली स्किन में भी हमने एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो हमारा बचा होता है वो ऑयल बन चुका है, और इस पैक के साथ मिलके ये पूरा ऑयल बेस्ड बन जाने वाला पैक। तो हम हाथ क्लीन कर लेंगे अपने हैमर, और ये हमारा जो है 6th ड्रॉप है, जैसे कि आपने देखा इसकी कोई फ्रिक्वेंसी सेट नहीं होती है। अब हम जो है इसे हमें अप्लाई करना है मास्क के साथ साथ ही, इस तरीके से हम इसे राउंड करते करते अप्लाई करेंगे। कोल्ड हैमर है, तो जितने भी अभी तक हमने प्रोडक्ट यूज़ किया है उन्होंने स्किन में हीट छोड़ी थी, तो हम उस हीट को जो है जनरेट करेंगे, जो जनरेट हुई थी उसको हम कंट्रोल करेंगे हमारे कोल्ड हैमर से। क्या होता है, अगर हम अपनी हीट को ऐसे ही छोड़ देते हैं पेस्ट पर और ऐसे ही पैक लगा देते हैं, कूलिंग नहीं देते हैं उसे, तो यहाँ यहाँ पर आपने बहुत बार नोटिस किया होगा इस एरिया में ना हाइड्रा फेशियल के बाद दाने हो जाते हैं। तो जब आप अपना कोल्ड हैमर यूज़ करते हो आपके मास्क के साथ में, तो आपके फेस पे ये कूलिंग देता है, आपके पोर्स को अच्छे से टाइटली क्लोज कर देता है, और इसके बाद आपके फेस में जो है कोई दाने होने के कोई चांसेस नहीं रहते हैं।
आपको बताया, यहाँ पे आप मड पैक यूज करते हैं या फिर क्रीम बेस्ड पैक जो है यूज करते हैं। अच्छे से हमने क्लीन कर लेना है, साइड से भी, नेक एरिया से भी, कहीं पर भी रह नहीं जाना चाहिए। और इसे क्लीन करने के बाद जो है अब बारी है हमारे एक और मास्क की। तो हाइड्रा फेशियल में गाइज हमेशा लास्ट में ना हमने एक जेल बेस्ड मास्क ज़रूर देना है, क्योंकि उससे क्या होता है, जेल बेस्ड मास्क लगाने से हमारी स्किन में एक तो मॉइस्चर लेवल अपर लेयर से लॉक हो जाता है, जितना भी हमने अपना वर्क किया सारा के सारा वो, और दूसरा हमारी जो LED हम मास्क अप्लाई करते हैं उसकी एवरी लाइट का एक मतलब होता है, जो कि हमारी स्किन की टाइटनिंग के लिए, वाइटनिंग के लिए और पूरा इन्फॉर्मेशन के लिए, स्किन के सेल्स रेजुविनेट करने के लिए होता है। तो वो जो शीट मास्क होता है वो सिर्फ और सिर्फ जेल बेस्ड मास्क पे ही वर्क करता है, तो इसलिए हमने इसके ऊपर शीट मास्क लगा देना है। तो जैसे कि हम शीट मास्क जो आज यूज़ कर रहे हैं ये पूरा का पूरा जेल बेस्ड होता है। LED मास्क यहाँ पर इसके जो है फ्रीक्वेंसी हमने सेट कर देनी है। LED मास्क हमें जो है यहाँ पर इसका एक बटन होता है जहाँ पर हमें रोल ऑन करके इसको जो है कनेक्ट कर देना है। इसको हम ऑन करेंगे तो यहाँ पर हमारी ना लाइट्स होती है रेड, ग्रीन, ब्लू एंड फ्लैश एंड कलर। तो यहाँ पर जैसे कि हमने इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देनी है, जैसे ही आप इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, और मैं इसे ऑन कर रही हूँ फ्लैश पे, ठीक है। तो जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं अलग 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 कलर आते हैं, और इसकी पूरी एक थ्योरी होती है गाइज LED मास्क की भी, कि कौन सा कलर किस चीज़ के लिए वर्क करता है। तो ये हम अपने फेस के ऊपर जो है अपने क्लाइंट के फेस के ऊपर लगा देंगे, ताकि इजीली जो है इनके पूरे फेस के ऊपर LED मास्क से कवर अप हो सके। और हमने जो जेल मास्क है इनके आईलिड के ऊपर भी अप्लाई कर दिया। अगर आपका जो शीट मास्क है LED आपकी स्किन के आईलिड के ऊपर कवर अप नहीं होता है इनकेस, तो आप क्या कर सकते हैं, हल्के से कॉटन पैड्स बना के रोज़ वाटर लगा के उसके ऊपर वो भी रख के फिर उसके ऊपर आपने अपना LED मास्क रख देना है, और क्लाइंट को आपने बोल देना कि क्लाइंट आपके आईज ओपन नहीं होनी चाहिए। तो ये हम जो है लगा के कम से कम 8 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और हर लाइट जो है अपना अपना काम इनके स्किन पर करती रहेगी। 8 मिनट के बाद जो हमारा फेशियल पूरा के पूरा कम्प्लीट हो जाएगा। सो गाइस हमारे 5 से 7 मिनट कम्प्लीट हो चुके हैं, इसे हम हटा देंगे, बंद कर देंगे हमारे फेशियल मास्क को। तो इसके बाद जो हमारा ये जो मास्क है हमारा शीट मास्क, इसको धीरे धीरे करके उतारेंगे, एकदम से खींच के नहीं उतारना होता है, आराम आराम से उतारेंगे। और ये जो जेल है ये इनकी स्किन पे लगा रहने देंगे, ना अपने क्लाइंट को बोलना है कि मैम ये स्किन पर लगा रहने देना है, ये अपने आप ही ड्राई हो जाएगा अपनी हवा से। तो इसे लगा के ही आपके अपने क्लाइंट को घर वापस भेजना है। इसके अलावा हम होम केयर में जो रिकमेंड करते हैं, क्लाइंट अगर एंटी एजिंग कोई सीरम लगा रहे हैं या डे क्रीम लगा रहे हैं या SPF लगा रहे हैं, वो उन्हें कंटिन्यू लगाते रहना है, ताकि उनके फेस जो है मेंटेन रहे अच्छे से, और डस्ट और पोल्यूशन से हमारा जो फेस है और स्ट्रेस से बचा रहे। आप देख सकते हैं जैसे कि नोज़ पे से तो बिल्कुल ही ब्लैक हेड जो है ख़त्म हो चुके हैं, एंड स्किन भी हमने काफ़ी ज़्यादा इनकी जो है क्लीन करी है। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये केयर करते रहेंगे एंड कंटिन्यू कराते रहेंगे, तो इनके फेस पे रिजल्ट्स बहुत बहुत अच्छे आए हैं, बहुत ही अच्छे। अगर आप बिफोर वाली वीडियो देखें तो आपको पता लगेगा कि पहले इनका फेस कितना ज़्यादा ख़राब था, और अब काफ़ी हद तक हमने इनका फेस जो है ट्रीट किया है। सो गाइस ये इनकी स्किन है बिफोर हाइड्रा फेशियल की, और ये है हाइड्रा फेशियल के बाद की। तो इनकी स्किन में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। आई एम श्योर गाइस आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। और अगर आप न्यू व्यूवर हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़।